नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड। मेरे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के टाइप्स क्या है, डायबिटीज के कारण क्या है, इसके हमारे बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट्स आते हैं और इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों हमारा इंडिया जो है, जो पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज का कैपिटल है, मतलब पूरे दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी डायबिटीज की जो बसती है वो हमारे इंडिया में बसती है। ऑलमोस्ट 5-6% यानी 5-6 करोड़ लोग इंडिया के डायबिटिक है। दोस्तों हमारे यहाँ का खान पान बहुत ही उठपटांग है, हम लोग हर तरह की चीज़ें खाते हैं, हमारा खान पान का व्यवस्थित नहीं है, इस हमारी दिनचर्या सही नहीं है, इस वजह से हमें डायबिटीज का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों आखिर डायबिटीज है क्या? दोस्तों हम जो भी खाते हैं उसका हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसका खाने से हमारा कार्बोहाइड्रेट निकल के हमारे ब्लड लेवल में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी पेनक्रिया जो है वो एक इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। हमारा जो रूटीन में हमारा डायबिटीज जो ब्लड शुगर लेवल है, अगर आप भूखे हैं यानी फास्टिंग है, वो होना चाहिए 100 से नीचे, और अगर आपने खाना खा लिया है, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप मापते हैं तो वो होना चाहिए आपका 140 के आसपास, 140 से नीचे। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटिक हैं। इसके लिए दोस्तों आपको रेगुलर लेवल पर अपना शुगर की जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में माता पिता को या भाई बहन को अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, आपको भी डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के कारण की और इसके टाइप्स की। दोस्तों डायबिटीज़ के वैसे कई कारण हैं और उसके कई टाइप्स भी है। इसमें जो मेन जो टाइप्स हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, प्री डायबिटिक होता है और एक जुवेनाइल डायबिटीज होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज इसमें मतलब कि हमारी खुद की बॉडी ही, हमारी जो पेनक्रियाज है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको डैमेज करती है और वो इंसुलिन नहीं बना पाती है, जिससे हमें डायबिटीज हो जाता है, जिसका कि रेशियो टोटल डायबिटिक पेशेंट का जस्ट 10% ही है, मतलब ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसके बाद में जो डायबिटीज होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसका 90% डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी की जो सेल्स है वो आपकी इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा होता है लेकिन आपकी जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसका इंसुलिन का हमारी बॉडी पर कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं आ पाता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि इंसुलिन को ब्लॉक करता है, जिस वजह से भी डायबिटीज हो जाती है। और प्री डायबिटिक मीन्स दोस्तों, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, डायबिटीज से जस्ट पहले की स्टेज, यानी अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 क्रॉस कर चुका है और 160 और 70 के बीच रह रहा है तो आप प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और जुवेनाइल डायबिटीज यानी जो बच्चों में होती है स्पेशली। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के जनरल सिम्टम की, कि आप डायबिटीज के क्या सिम्टम होते हैं, जनरल सिम्टम जो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं, कि आपको डायबिटीज तो नहीं हो रही है। जैसे दोस्तों अगर आपको बार बार भूख लग रही है और आपको बार बार खाना खाने की इच्छा हो रही है तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है और आपका वेट लॉस हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर आपका विजन धुंधला हो रहा है, आपके पैरों में हाथों में अगर आप नमनेस दे रही है, जैसे गुदगुदी सी होती है, टिंगलिंग सा सेंसेशन आता है, इसके अलावा दोस्तों आपके कई दफा अगर आपका घाव हो जाता है कहीं पर भी और वो अगर आसानी से नहीं भर रहा है तो आपको लग रहा, आपको सोच सकते हैं कि आपको कहीं डायबिटीज का खतरा तो नहीं है। और जो डायबिटीज है दोस्तों, जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक सबसे बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से उनमें नपुंसकता आ सकती है, और लेडीज में स्पेशली दोस्तों इसमें यूरिन इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और बार बार उनको UTI होता है। इसके अलावा उनमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किन्हें ज़्यादा खतरा है डायबिटीज का। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, भाई बहन को अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आप ओवरवेट हैं, स्पेशली आपका जो बेली है, मतलब पेट का, अगर आपका वहाँ पे चर्बी ज़्यादा है या मोटे वहाँ पे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप कार्डिक पेशेंट है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। अगर आपका खान पान सही नहीं है, संतुलित नहीं है, आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो भी आप डायबिटीज़ की श्रेणी में आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव की या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की। दोस्तों अगर हार्ट डिजीज़ होने का, इसमें अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा होता है हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक आने का। आप जो
हार्ट अटैक के जो पेशेंट देखे गए उनमें सब में मोस्टली अब ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि उनमें काफ़ी पेशेंट थे जिनमें डायबिटीज थी। इसके अलावा आपका नर्व्स डैमेज हो सकती है आपकी, आपका इसके अलावा आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, आपके हाथ पैरों में सुन्नपन झंझनाहट हो सकती है, इसके अलावा आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपकी आँखें खराब हो सकती है, आपके रेटिना में हेमरेज हो सकता है, इसके अलावा आपके सुनने की शक्ति खराब हो सकती है, आपके पैरों में जो एक अल्सर हो सकता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक फुट अल्सर, जिसकी वजह से आपको कई दफ़ा लेग एम्पुटेशन जिसको कि पैर कटवाना पड़ता है वो भी हो सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया लेडीज में स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें इचिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, एक तो HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि आपका पिछले 3 महीने का एक जो डायबिटीज लेवल होता है उसको वो एक चेक कर लेता है। अगर आपका HbA1c अगर 5.6 या के आसपास रह रहा है या इससे नीचे है तो आप डायबिटीज़ की श्रेणी में नहीं है, और 5.6 से अगर ऊपर जा रहा है और ये करीब करीब 6.4 तक रहता है तो आप डायबिटीज़ प्री डायबिटिक हैं, और 6.4 या 6.5 से ऊपर जाने पर आप निश्चित तौर पर डायबिटीज़ हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग और ब्लड ग्लूकोज पीपी भी कर सकते हैं। फास्टिंग मतलब आपने अगर 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया है और आपका ब्लड शुगर लेवल अगर 100 के नीचे है तो ये आपका एक संतुलित लेवल पे है, और अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाते हैं तो आपका ये 140 तक रहता है तो ये आप डायबिटीज़ में नहीं आते हैं। ये इस तरह से आपके इसके जो टेस्ट हैं आप किसी भी लेबोरेटरी में जाके आप आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ से बचने के लिए आप डेली व्यायाम करें, आप वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, मीठा कम खाएं, संतुलित आहार लें, यही आपको डायबिटीज से बचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक अपना अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको डायबिटीज अगर है आपको तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये जरूर देखें, आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है दोस्तों, जिसको आप आसानी से ले सकते हैं और इसके कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। दोस्तों इसके लिए जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ जो कि इस ये मान लीजिए स्पेसिफिक है डायबिटीज के लिए, इसमें एक मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन मैं बना के अपने सभी मरीजों को देता हूँ जो आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें 3 तरह के मदर टिंचर्स हैं जिनको मैं बराबर अनुपात में मिलाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक 100 ml की बॉटल लीजिए, 100 ml की बॉटल के अंदर साइजेजियम लें 30 ml मान लीजिए, उसको 3 भाग लें, 30 ml साइजेजियम लें मदर टिंचर, उसके बाद में आप लें जिमनेमा का मदर टिंचर 30 ml, और 30 ml लें आप सिफिलेंड्रा का मदर टिंचर। इन तीनों को बराबर मात्रा में आप मिला दें और उसको अच्छे से हिलाएं, ये आपका डायबिटीज़ के लिए मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। और इसको लेने का तरीका है दोस्तों, दिन में 3 बार 30 बूंद खाना खाने से आधा घंटा पहले आधे कप गुनगुने पानी के साथ। अगली जो दवा है दोस्तों हमारी है एसिड फॉस। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा थके थके से रहते हैं और आपको थकावट ज़्यादा परेशान करती है, डिप्रेस रहते हैं, तो इसके लिए एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फॉस 30 दिन में 3 बार 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। दोस्तों अगली हमारी दवा है इंसुलिन 30 अपने पैंक्रियाज को मोटिवेट करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको लेने का भी तरीका वही है, दिन में 3 बार 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। अगली दवा है हमारी एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर। एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर को लेने का तरीका है 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। यह भी हमारे डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करती है और हमारे पैनक्रियाज को मोटिवेट करती है इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए। अगली दवा है हमारी दोस्तों हेलोनियास 30 भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसका भी वही है, इसमें थोड़ा सा आदमी इरिटेट रहता है और हमारी जो है प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है और हमें थकावट का एहसास ज़्यादा होता है। दोस्तों हेलोनियास 30 को लेने का तरीका है दोस्तों डायरेक्ट जीप पर 4 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों धन्यवाद।